आप सभी को राम राम। और जी आज मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं बना नहीं पाई और आज मैं घर पे भी नहीं थी। कई सारे मैसेज आ रहे थे और कमेंट भी आ रहे थे कि आज आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बताऊं। और मामा जी की तबीयत के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है। तो कल शाम के टाइम जो है मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो भगवान श्री राम जो है उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तो रात के 10:30 बजे फिर यहाँ से गुड्डू के पापा और संजय जी गुड़गांव पहुँचे थे और सुबह के टाइम छुट्टी कराकर उनके ले आए थे। तो उनकी आखिरी सांस थी 8:30 बजे कल रात के टाइम। वैसे तो रिस्की जोन में थे उस दिन मैं गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि 50-50 चांस है चमत्कारी हो जाए कुछ, मतलब मुझे क्या सबको लग रहा था कि चमत्कारी हो जाए कुछ तो अच्छा है, लेकिन कोई चांस नहीं थे क्योंकि उनके जो फेफड़े थे वो बिल्कुल जवाब दे चुके थे। उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी, मतलब वे ना अपनी ज़िंदगी से फाइट कर रहे थे एक तरीके से, देखो तो देखे नहीं जा रहे थे बिल्कुल भी। फिर भी अपना मन जो है ऐसा करना पड़ता है, मुझे देख कर तो बहुत इमोशनल हुई, पहचाना भी मुझे। तो वही आज जो है अंतिम विदाई के समय पर हम लोग जो है गए थे वहाँ पे, मैं गई थी इधर से और ये तो रात के टाइम के ही वहाँ पे गए हुए थे क्योंकि अनुज अकेला था और एक 12-13 साल का लड़का उसका दोस्त था, तो वो था उनके साथ में। तो फिर ये छुट्टी करा के लाए और एक और मेहमान थे जो वहीं पे हॉस्पिटल में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, मतलब जॉब करते हैं वहाँ पे, जिन्होंने उन्हें एडमिट करवाया था। वे मामा जी के दामाद हैं बड़े वाले, जिनकी बेटी की अभी शादी हुई थी मई के महीने में जब हम लोग गए थे शादी में। तो ये परिस्थितियाँ कैसी कब किसके सामने खड़ी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, बस हम तो प्रभु से यही कामना करते हैं भाई सब लोग जो है ठीक ठाक रहे अपने परिवार के साथ में, क्योंकि मम्मी से भी बहुत छोटे थे वे और एक बचपन ना हम लोगों का उनके साथ में ऐसा कैप्चर है मेमोरी में से आज भी याद कर रहे थे। और मम्मी ना जब बार बार ये कह रही थी कि भाई तू अपनी लड्डू को देख ले, तेरी लड्डू आ रही, तेरी लड्डू तुझे देख भी आई, तो मतलब इतना हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें सुनी भी नहीं जा रही थी क्योंकि बहुत सारा टाइम मैंने उनके साथ में स्पेंड करा। मैं बताती हूँ आपको, उस गांव में बुआ जी भी है हमारी, मामा जी भी, दोनों तरफ से इतना प्यार मिला, मतलब लाडली मैं रही हूँ सबकी, अब भी हूँ, रही क्या अब भी हूँ, लाडली हूँ मैं उन सबकी। तो भाई अपनी अपने परिवार में सब लोग अब जो है इतने व्यस्त हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ये चीज़ें ना जब बहुत दूर चली जा, जब एहसास होगा इनका कि हमने क्या खोया और क्या पाया, तो ये सारी चीज़ें ही होती है याद करने की। तो लास्ट टाइम पे मैं तो उनके पास चली भी गई थी, लेकिन बहुत सारे परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो उनसे बात नहीं कर पाए, और ख़ासकर हमारी मामी जी वे चीज़ कह के फलाल कर रही थी कि अगर मुझे पता होता कि इतनी हालत ख़राब है तो मैं वहीं पर चली जाती। तो देखो सोचा किसी ने भी नहीं था कि ये सिचुएशन आएगी, क्योंकि हम सबका बस यही वो था कि बस वे ठीक हो जाए, लास्ट मोमेंट तक हम यही कोशिश में रहे कि कुछ ना कुछ उनकी रिपोर्ट्स जो है ठीक आ जाए ठीक आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो बिगड़ती जा रही थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा। मुझे पहचाना उन्होंने, सर पर मेरे हाथ भी रखा, उसके बाद में उनकी कंडीशन ख़राब होती चली गई। और देखो मुझे भी नहीं पता था कि हाँ मैं चली जाऊँगी, बस बुड्ढू के पापा कह रहे थे कि मैं देख के आ जाऊँगा, दूर का सफ़र है, फिर तेरी तबीयत ख़राब हो जा और ऐसी कंडीशन पर तू देख नहीं पाएगी। मैं फिर भी मैंने कहा मगर नहीं मैं चलूँगी, चलो कोई नहीं, मैं अपने आप को संभालूँगी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनूँगी। तो मामा जी अब जो है इस दुनिया में नहीं है हम लोगों के बीच में, बस और क्या ही बोलूँ, ये छोटा सा अपडेट मुझे देना था। आपने बहुत सारी प्रेयर की उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जितना जिस पर हो सके सब ने किया है, लेकिन ऊपर वाले के सामने किसी का कोई चारा नहीं चलता, जो से मंजूर होता है होता वही है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में जो है स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, सब कुछ जो है ठीक ठाक रहे, बच्चे उनके, क्योंकि मामी जी की तबीयत भी ख़राब ही रहती है और अभी दो ही बच्चों की शादी हुई और 3 बच्चे उनके अभी अनमैरिड है, 2 की शादी हुई है। तो देखो जो हमारी नानी जी हैं वे हैं, और आज के कलयुग के टाइम में वे ऐसी चीज़ें फेस कर रही, तो बड़े दुख की बात है हमारे
हमारी नानी जी जो है 85 की हो चुकी हैं, और मम्मी भी यही चीज़ कह रही थी, मैंने अपने भाई को पाला, अपने हाथों से ये किया वो किया, सारी चीज़ें याद आती हैं, पिछली जितने भी पल होते हैं वो सारे याद आ जाते हैं। तो गांव में गए थे वे, रवि की शादी के टाइम पे गए थे, लेकिन उसके बाद मैं जा नहीं पाई। बच्चे जब करने के लिए हो जाते हैं ना, घर में सारी चीज़ें संभाल लेते हैं, तो फिर ये समझो कि बड़ों का तो ये हो जाता है कि चलो भाई इस पर नहीं उस पर चले जाएंगे। बोलते थे मम्मी से फोन पर बात कर गया कि मैं भैया रोज ले जाऊँगा अब की बार, कितने दिन हो गए मुझे वहाँ हो, मतलब गांव में। तो जीवन में हमें सबसे मिलते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए, और इस सिचुएशन में हमें सबके साथ दुख की घड़ी में होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा काम है और ये छूट जाएगा और सामने वाले का जो कुछ हो रहा हो रहे तो सबसे मिलते जुलते रहना चाहिए, राजी खुशी का पता लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें लौट के नहीं आती वापस। जो एक बार हासिल कर जाना वो कभी भी लौट के नहीं आती। बहुत ही कम लोग इस चीज़ पर जो है ध्यान देते हैं कि हाँ ये पल हमें बाद में नहीं मिलेगा। जो अपनी सांसों से लड़ रहा, मन तो उनका भी करता होगा सबसे मिलने का, सबको देखने का। जैसे मैं अचानक चली गई उनके पास में, ये भी चले गए। अनुज को मैं 5 मिनट भी अपने साथ अलग नहीं होने दे रहे थे, कह रहे थे बार बार भाई 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो, तो मेरे साथ अलग ना रहकर, बिल्कुल मेरे सामने रहकर। तो वही चीज़ है, डर तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी था जब मैं अपनी आखिरी सांस से भी लड़ रहे थे, लेकिन वही है प्रॉब्लम उनके फेफड़ों में थी। बताया था मैंने आपको, हालत ज़्यादा ख़राब थी उनकी इस टाइम। जो परमात्मा को मंजूर होता है होता तो वही है। चलो जी, बस मैं तो यही आपको छोटा सा अपडेट देना चाह रही थी, क्योंकि फिर जो है सब लोग परेशान हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि हमारे व्यूवर्स जो हैं जो बोलते हैं कि ब्लॉग देख के नींद आती है वो परेशान हो, तो इसलिए सोचा थोड़ा सा अपडेट मैं दे दूँ। और मेरी तबीयत ठीक है अब, क्योंकि हम लोग वहाँ से 3 बजे के करीब आए थे वापस अंतिम विदाई के बाद में। तो अभी बहुत सारे लोग तो वहाँ पे हैं हमारे रिलेटिव, जैसे मम्मी हैं, रवि है वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे भी फीवर चल रहा सबको, तो देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। और ऐसे वक्त में देखो अपने ही अपनों के काम आते हैं, बाकी तो सब कुछ है ही ठीक ठाक बस।